नमस्कार। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। झटपट झटपट घरेलू डिश में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम एक नया रेसिपी बनाने जा रहे हैं फ्रेंड, मेथी मठरी बीकानेरी, जो यह बहुत ही अच्छा यम्मी है फ्रेंड। देखिए, हम इसको धो के अच्छे से काट लिए हैं फ्रेंड, एकदम बारीक बारीक काटे हैं। इसको 2-3-4 पानी से धो लीजिएगा फ्रेंड, और इसको काट लीजिएगा एकदम साफ से, एकदम बारीक काटिएगा फ्रेंड। और इसके लिए लीजिएगा, देखिए, लाल मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया 1 बड़ा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, 4-5 हरी मिर्च, लहसुन 2-4 लौंग फ्रेंड। और ये चावल, चावल जो रात को फुला के रख दीजिएगा फ्रेंड, भिगो के सोख कर। चावल को भिगो के रखे हैं, उसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, और इसके साथ ही डाल देंगे मिर्च और लहसुन, दोनों डाल के और पीस लेंगे फ्रेंड, बिना पानी का। पानी अब नहीं डालना है फ्रेंड, बिल्कुल भी। देखिए, बिना पानी का हम पीस लिए फ्रेंड, बिल्कुल। अब इसमें सारे मसाले, मेथी के साथ, अब इसमें मेथी और सारे मसाले को डाल लेंगे फ्रेंड। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड, और इसमें नमक डाल लेंगे फ्रेंड स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। मिक्स करने के बाद फ्रेंड, अब इसमें अरारोट के आटा डालेंगे फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बॉल लिए हैं, लेकिन जितना लगेगा उतना ही डालेंगे फ्रेंड। ये देखिए, और इसको मिक्स करेंगे फ्रेंड। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे आटा लगाते हैं, एकदम हार्ड सानेंगे, पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके ये अरारोट का आटा डालेंगे फ्रेंड, एक साथ नहीं डालेंगे। ये देखिए, और मसल के इतना अच्छे से मसलेंगे फ्रेंड कि एकदम से मेथी बिल्कुल मिक्स हो जाए फ्रेंड, इस तरह मिक्स हो जाए कि पता ही नहीं चले कि ये मेथी का भी है, और बिल्कुल कड़वाहट भी नहीं आएगा फ्रेंड। अच्छे से एकदम बिल्कुल सानिए, जैसे आटा सानते हैं। अब इसका एक एक मठरी बना लीजिए फ्रेंड, नमकीन। ये देखिए, इस तरह रोल मठरी, इसको रोल मठरी कहते हैं फ्रेंड। ये देखिए, सारे को हम इसी तरह सान लेंगे फ्रेंड। एक एक करके सारा बना लीजिए इसी तरह। अब देखिए, पेन गरम हो गया फ्रेंड, अब इसमें हम तेल को डाल लेंगे। तेल बिल्कुल गर्म होने दीजिएगा, एक बार हीट होने दीजिएगा, उसके बाद गैस थोड़ा सा मीडियम कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम एक एक मठरी को रख लेंगे इस पे फ्रेंड। रोल जितना अच्छा सेकेगा फ्रेंड, उतना अच्छा कुरकुरापन होगा, और बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम तेल में, 2 चम्मच तेल में ही ये हो जाएगा फ्रेंड। देखिए, सारा रोल हम एक बार, मेथी रोल एक बार में रख लेंगे।
बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए चारों तरफ फैला के हम रखेंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड चारों तरफ फैलाते हुए ही हम रख लिए फ्रेंड। ये देखिए एकदम चारों तरफ घुमाइए और घुमा घुमा के सेकिए, कोई डीप फ्राई करने का जरूरत ही नहीं है फ्रेंड। ये देखिए देखिए कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। जैसे जैसे सीखेगा फ्रेंड इसमें कुरकुरापन आएगा, एकदम मस्त मठरी नमकीन बनकर तैयार होगा। आप इसको बना के रख के लीजिएगा तो 15 दिन महीना दिन खा लीजिएगा फ्रेंड। बस बिल्कुल पलटते रहिए चारों तरफ से फ्रेंड, इसको छोड़ना नहीं है, पलटते हुए ही इसको तलना है फ्रेंड। ये देखिए घुमाते रहिएगा तो कहीं से भी कच्चा नहीं होगा फ्रेंड ये, और इसमें कुरकुरापन भी होगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड अब ये मठरी थोड़ा सा हिला के और थोड़ा रोल को चारों तरफ से सेकने दीजिए फ्रेंड। ये देखिए जिधर भी तेल है इसमें सब तेल भी एक साथ इसमें ख़त्म हो जाएगा, छना हुआ तेल भी नहीं बचेगा जो बर्बाद नहीं होगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड किस तरह ये बनकर रोल तैयार हो गया फ्रेंड, ये काठी रोल जैसा बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा एक साथ एकदम तैयार हो गया फ्रेंड। 100 ग्राम मेथी में देखिए कितना सारा नमकीन बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। देखिए पैन में बिल्कुल तेल नहीं है फ्रेंड, तेल बचा हुआ छना हुआ तेल बहुत हर्ज करता है फ्रेंड, वह हेल्दी नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल ख़त्म हो गया फ्रेंड और इतना सारा नमकीन बनकर तैयार भी हो गया फ्रेंड और एकदम कुरकुरा क्रंची ये बनकर तैयार हुआ फ्रेंड। ये देखिए सामने से देखिए फ्रेंड इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है फ्रेंड। अब आप इसको फ्रेंड जहाँ से भी एकदम हिलाते रहिएगा फ्रेंड, कहीं से भी कच्चा दिखे तो उस तरह पलट कर इसको सेक लीजिए फ्रेंड। ये देखिए इसी तरह आप सारे को छान लीजिएगा फ्रेंड। देखिए अब हम इसको निकालेंगे फ्रेंड और सर्व करेंगे सर्व प्लेट में। ये देखिए टिफिन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा चीज है फ्रेंड, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड अब इसका थोड़ा डेकोरेशन कर लीजिए बिल्कुल।
ये देखिए एक एक सजाते हुए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, आप सोचिए जब इतना अच्छा लग रहा है तो खा के कितना अच्छा लगेगा फ्रेंड। फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड जो सब्सक्राइब कर लिए उनको थैंक यू, जो नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। नमस्कार।